पिछले वर्ष फिल्म लियो से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका करने वाले थलपति विजय की आने वाली फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टाइटल जारी हो गया है। कुछ दिन पहले ही फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया था। इसके बाद अब नए साल के मौके पर फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का दूसरा पोस्टर जारी किया है। दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का ये पोस्टर बेहद ही शानदार है। थलपति विजय की आने वाली फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का दूसरा पोस्टर आज नए साल के मौके पर फैंस के साथ साझा किया गया है। इस पोस्टर में विजय बाइक पर बैठे अपने प्रतिद्वंदी पर बंदूक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। विजय की फिल्म का ये नया पोस्टर कंप्यूटर जनरेटेड लग रहा है, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक साइंस फिक्शन फिल्म हो सकती है। फिल्म के पोस्टर में थलपति विजय पिस्तौल लहराते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बाइक के पीछे बैठे विजय कैमरे में देखते हुए मशीन गन से शूट कर रहे हैं। दर्शकों को फिल्म का दूसरा पोस्टर बेहद पसंद आ रहा है। इस फिल्म में थलपति विजय डबल रोल में दिखाई देंगे। पोस्टर में दोनों विजय के लुक देखने को मिल रहे हैं। इस फिल्म में विजय बाप बेटे की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। थलपति विजय की ये फिल्म अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में है। वहीं फिल्म के टाइटल और पोस्टर रिलीज के बाद फैंस इसे लेकर और उत्साहित हो गए हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में सुपरस्टार विजय के अलावा जयराम, प्रभु देवा, मीनाक्षी चौधरी और योगी बाबू जैसे अभिनेता महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। वहीं फिल्म के पहले पोस्टर में दो विजय देखने को मिले, जो स्काई डाइविंग सूट में दिखाई दे रहे हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम AGS एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और वेंकट प्रभु द्वारा निर्देशित है। विजय की आखिरी फिल्म लियो ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। तो आपको क्या लगता है, ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।